नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं वजरेक्स के बारे में, वजरेक्स टोकन के बारे में, कितना नीचे जा सकता है, कितना अप जा सकता है, सारी डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव न्यूज ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका है उसने अप्रूव किया बिटकॉइन को ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरे लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, पूरा न्यूज दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे पूरा सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। उसके अलावा दूसरी न्यूज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी न्यूज आपकी ये है कि स्क्वायर टू क्रिएट न्यू बिटकॉइन प्लेटफॉर्म टू फाइनेंशियल सर्विस, जो कि एक ढैकी प्रोग्राम होता है, जिसमें क्या होता है कि आप जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन या फिर पॉलीगोन ब्लॉकचेन की तरह आप यूज कर सकते हो उसी तरीके से। उसके साथ ही एक वो वॉलेट भी क्रिएट कर रहे हैं, हार्डवेयर वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि इसका भी इसमें मेंशन है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है, ये भी आपको देखना चाहिए। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि वजरेक्स टोकन के बारे में अभी क्या अपडेट चल रहा है रिसेंटली, और आगे क्या अपडेट आने वाला है। सबसे पहले अपन निश्चल सेठी के ट्विट अकाउंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई भी किसी भी तरीके का अपडेट नहीं है रिलेटेड टू कॉइन बर्न के लिए, तो यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं है। उसके अलावा अगर अपन वजीरेक्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे चलते हैं, तो यहाँ पे एक यहाँ पे लिखा हुआ सनबर्न बिफोर बर्न, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें ये चीजें लिखी गई है कि सनबर्न होने के बाद ही यहाँ पे बर्न किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। और अपन चलते हैं अभी एनएफटी के, जो एनएफटी का है उसमें चलते हैं। एनएफटी के अगर ट्विटर अकाउंट पे चलते हैं, तो यहाँ पे भी आपको कुछ डिटेल्स में दिया मिलेगा, जो कि यहाँ पे सारा एनएफटी के बारे में ही दिखाया गया है। पहले बात ये कर लेते हैं कि एनएफटी है, इससे वजरेक्स टोकन पे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहला इफेक्ट ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने एनएफटी का जो बीटा है, अभी वर्जन है जो कि एनएफटी का है वजरेक्स का, इससे इफेक्ट ये पड़ने वाला है, जब भी आप यहाँ पे कुछ भी बाय करने के लिए जाओगे, तो यहाँ पे आपको वजीरेक्स टोकन होना बहुत जरूरी है। जब अगर आपके पास वजीरेक्स टोकन होगा, तभी आप यहाँ पे बाई और सेल कर पाओगे। ये सारी डिटेल्स में मेंशन है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे कि 300 वजीरेक्स टोकन आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा, तभी आप यहाँ से बाई कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा कि जब भी वजीरेक्स टोकन है एनएफटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में जब भी कोई यहाँ पे बाई करने के लिए आएगा, तो उसके पास वजीरेक्स टोकन होना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि वजीरेक्स टोकन की होल्डिंग होगी और ट्रेड भी होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक तरीके से यूजेबल हो जाएगा। तो जब यूज केस अगर बढ़ेगा, तो उसकी ट्रेड बढ़ना बहुत हो जाएगी स्टार्ट। तो अब बात करते हैं अपन यहाँ पे जो वजीरेक्स टोकन है उसका पूरा, यहाँ पे एनएफटी का पूरा डिटेल में मेंशन किया हुआ है, उसका भी मैं आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये कब आने वाला, सारे डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग 23 जुलाई को यहाँ पे जो स्टार्ट होने वाला है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। जैसे कोई कोई भी अगर क्रिएटर है, वो अगर यहाँ पे एनएफटी अपनी डालता है, तो उसको 25% वजीरेक्स टोकन एयर ड्रॉप के तौर पर मिलेगा, और यहाँ पे परचेज करता है उसको हजार, मतलब कि 1000 वजीरेक्स तक अगर कोई परचेज करता है या सेल करता है। और मान लीजिए कि मैंने अगर क्रिएटर हूँ और मैंने यहाँ पे अगर सेल किया, तो मुझे 25% तक वजीरेक्स एयर ड्रॉप मिलने वाला है। इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की हुई है, और यहाँ पे डेट भी मेंशन की हुई है, जो कि 23 यहाँ पे दिया हुआ है 12 PM, जो कि वजीरेक्स एनएफटी है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेट दी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि 23 से पहले यहाँ पे कोई भी वजीरेक्स टोकन बर्न होने वाला है, 23 के बाद ही वजीरेक्स टोकन बर्न होने वाला है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि वजीरेक्स टोकन है वो बाद में ही बर्न होने वाला है। तो ये तो सारी चीजें क्लियर होगी आपके लिए कि वजीरेक्स टोकन कब बर्न होने वाला है। अब रेट की बात कर लेते हैं, तो रेट की बात अगर करोगे, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे गया था, अभी थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि 18 तारीख को मुझे लगता है कि ये बहुत डिप में आपको मिल सकता है। आपकी अपनी चॉइस हो सकती है कि आप कभी भी बाय कर सकते हो, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि 18 तारीख को आपको बहुत डिप में मिल सकता है वजीरेक्स टोकन। तब तक आप या थोड़ा वो ट्रेड कर सकते हो, अगर ट्रेड ना भी करो तो 18 तारीख को आप ट्रेड कर सकते हो।
आप उस चीज को भी फोकस में रखिएगा, क्योंकि मार्केट में डंप आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सारे डिटेल में और भी बात करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।